हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द अटेंशन। फ्रेंड्स, हम अटेंशन के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि अटेंशन से एसोसिएटेड हैं। फ्रेंड्स, देर आर डिफरेंट डिजीजेज, देर आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स विच इज़ रिलेटेड टू द कॉग्निटिव एबिलिटी। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, डेफिसिट्स हैं जो कि अटेंशन या जिसको बोले जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी है अटेंशन, इससे रिलेटेड है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हो सकती है, जैसे कि अल्टर्ड फंक्शनिंग ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी या अटेंशन, मतलब जिस तरीके से काम करनी चाहिए उस तरीके से नहीं करती है, तब जाके ये प्रॉब्लम्स होती हैं। इनएडिक्वेट फंक्शन, इनएडिक्वेट मतलब जब जिस लेवल की फंक्शनिंग होनी चाहिए उससे कम करने लगे। नेक्स्ट इज इंक्रीज अटेंशन, जब अटेंशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, हाइपर हो जाता है, तब भी ये एक प्रॉब्लम का रूप ले लेता है। नेक्स्ट इज द डेफिसिट ऑफ अटेंशन, मतलब जब बिल्कुल ही अटेंशन नहीं होता है। सो देर आर डिफरेंट कैटेगरीज जिसको कि हम डिवाइड कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को। सो द मेन कैटेगरीज विच क्लासीफाई द डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ अटेंशन आर अप्रोसेक्सिया, हाइपोप्रोसेक्सिया, स्यूडोप्रोसेक्सिया, पैराप्रोसेक्सिया एंड हाइपरप्रोसेक्सिया। वी आर गोइंग टू स्टडी ईच वन ऑफ देम वन बाय वन। तो फर्स्ट लेट्स डिस्कस दी अबाउट दी अप्रोसेक्सिया। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, देयर इज मैक्सिमम रिडक्शन ऑफ अटेंशन एबिलिटी एंड और क्या हो सकता है, देयर कैन बी टोटल एब्सेंस ऑफ अटेंशन। अप्रोसेक्सिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा या तो आपके अटेंशन में कमी आ जाती है, फोकस में कमी आ जाती है किसी इंडिविजुअल, या फिर बिल्कुल ही अटेंशन के एब्सेंस होती है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता नहीं होती, फोकस नहीं कर पाते हैं वो एक चीज़ पे, इसको बोलते हैं अप्रोसेक्सिया। नेक्स्ट इज दी हाइपोप्रोसेक्सिया। एप्रो मतलब बिल्कुल एब्सेंस ही है और हाइपोप्रोसेक्सिया मतलब डिक्रीज्ड है अटेंशन एबिलिटी, मतलब है थोड़ी बहुत बट वो बहुत कम है। एंड इस विद इन दिस कैटेगरी देयर कैन बी वेरियस सब कैटेगरी, जैसे कि अटेंशन में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़े थे करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, अगर आप उनसे रिलेट करके आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाइपरप्रोसेक्सिया के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्यों है। देखिए, इसमें पहला है डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, मीन्स देर इज अब्रप्ट चेंजेस ऑफ मार्क्ड इंस्टेबिलिटी इन द अटेंशन। इंस्टेबिलिटी, हमें जब ध्यान केंद्रित करना होता है किसी चीज़ पे तो एक स्टेबिलिटी की आवश्यकता होती है, बट ये ही स्टेबिलिटी जब नहीं होती है, इंस्टेबिलिटी होती है, बहुत जल्दी चेंजेस होते रहते हैं हमारे फोकस में, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, हाइपोप्रेक्सिया। नेक्स्ट इज इमोशनल अनस्टेबल अटेंशन। इमोशनल अनस्टेबल अटेंशन जो कि इनकंसिस्टेंट है एंड चेंज होता रहता है विद द अटेंशन फॉर्मेशन, एंड द अटेंशन की जो परफॉर्मेंस है चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग अलॉन्ग विद द इमोशंस, कि हमारे इमोशंस उस टाइम क्या हैं। तो वो इमोशनल अनस्टेबल अटेंशन होते हैं कि आपका पॉजिटिव माइंड है, आपका इमोशनल स्टेट क्या है, उस पर डिपेंड करता रहता है आपका ये अटेंशन हाइपोप्रोसेक्सिया। नेक्स्ट इज इनहिबिशन। इनहिबिशन मीन्स इनएबिलिटी टू मोबिलाइज द अटेंशन। नाउ फ्रेंड्स, हमें किसी भी चीज़ पे ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने अटेंशन को मोबिलाइज करना होता है। अगर हम अपने अटेंशन एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज करना चाहते हैं तो ये एक हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, बट जब ये कॉग्निटिव एबिलिटी हमारे पास नहीं है या इनहिबिट हो गई है या कम हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनहिबिशन हाइपोप्रोसेक्सिया। नेक्स्ट इज़ दी निगलेक्ट। नाउ निगलेक्ट सिंड्रोम में क्या होता है, नाउ निगलेक्ट सिंड्रोम में ऐसा है कि इट यूजली मैनिफेस्ट अ लैक ऑफ अटेंशन। इसमें लैक ऑफ अटेंशन तो होगा ही, एंड इन एक्सट्रीम केसेस में देयर विल बी लैक ऑफ मूवमेंट और लॉस ऑफ द मूवमेंट, जिसको कि एकाइनेसिया बोलते हैं। इसमें अटेंशन लॉस इतना हो जाता है कि इंसान जो है अपनी बॉडी के बारे में ही अवेयर नहीं होता है, एंड एट टाइम इट रिजल्ट इनटू द हेमिस्पेशियल निगलेक्ट, मतलब पर्सन इज बीइंग अनअवेयर ऑफ हाफ ऑफ हिज स्पेस अराउंड अस, मतलब वो अपनी दुनिया के आसपास, मतलब अपनी अपने स्पेस जो है उसमें आधी जो चीज़ें होती उसके बारे में जानता ही नहीं है, मतलब उसको नॉलेज ही नहीं है उनकी सराउंडिंग की, तो इसको बोलते हैं हेमिस्पेशियल निगलेक्ट।
नेक्स्ट इज ए फटीग. नाउ देर आर सम फैक्टर्स जो कि विच एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द एग्जॉशन ऑफ अटेंशन बिकॉज ऑफ द सेरिब्रल फैक्टर्स. सेरिब्रल मतलब कुछ बायोलॉजिकल, कुछ फिजिकल डिजीजेस हैं, जैसे कि कुछ ट्रॉमा हो गए, ट्यूमर्स हो गए, डिमेंशिया प्रोसेस हो गए, अल्जाइमर्स हो गए. तो इन सब डिजीजेस से रिलेटेड, मतलब ऑर्गेनिक डिजीजेस से रिलेटेड जो चीज़ अटेंशन हम लॉस करते हैं उसको बोलते हैं फटीग. नेक्स्ट इज़ दी अपैथी. नाउ अपैथी क्या है? इट इज़ डिफ़िकल्टी इज इन मेंटेनिंग द अटेंशन ड्यू टू कंडीशन सच इज एक्सट्रीम फैटिग, मेल न्यूट्रिशन एंड स्लीपीनेस. नाउ फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि कोई बहुत डीप कॉमा में चला जाता है, डीप स्लीप में चला जाता है, कोई ब्रेन इंजरी हो गई है, या कोई बच्चा जो है बहुत सीवियर मेल न्यूट्रिशन में रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा वाइटामिन 12 की डिफिशेंसी रही है, परनिशियस एनीमिया रहा है उसको मेल न्यूट्रिशन की वजह से, या फटीग जो हमने अभी डिस्कस किया, तो इसके चलते उनको बहुत एपथी होती है एंड देर इज़ अ मेजर लॉस ऑफ अटेंशन ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, जिसकी वजह से वो उनका जो अटेंशन का प्रोसेस होता है वो कम हो जाता है एंड वो हाइपोप्रेसिक से शिकार हो जाते हैं. नेक्स्ट इज़ दी अटेंशन परप्लेक्सिटी. नाउ अटेंशन परप्लेक्सिटी का मतलब क्या है? अटेंशन परप्लेक्सिटी का मतलब है इनएबिलिटी टू अचीव द सिंथेसिस ऑफ अटेंशन कंटेंट. सिंथेसिस ऑफ अटेंशन कंटेंट, जैसे कि मैं अभी आपको वीडियो समझा रही हूँ तो आप सिंथेसाइज कर पा रहे हैं इसका मीनिंग, जो कंटेंट मैं पढ़ा रही हूँ इसका मीनिंग आप समझ पा रहे हैं, बट यही मीनिंग आप ना समझ पाएँ एंड यू आर इनकेपेबल ऑफ मीनिंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द फिनोमेना, तो उसको बोलते हैं अटेंशन परप्लेक्सिटी. मीन्स देर इज इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, तो इसको बोलते हैं अटेंशन परप्लेक्सिटी. नेक्स्ट इज इज सीडो प्रोसेक्सिया. देर इज लैक ऑफ अटेंशन टुवर्ड द सराउंडिंग डिस्पाइट मेंटेनिंग द एबिलिटी इन गुड कंडीशन. इससे पहले मैं आपको सीडोप्रोसेक्सिया के बारे में बताऊं. अभी तक हमने यहाँ तक जो भी डिस्कस किया वो हाइपोप्रोसेक्सिया के पार्ट्स थे. अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द नेक्स्ट, एक अदर टाइप की अटेंशन डेफिसिट है जिसको बोलते हैं हम सीडोप्रोसेक्सिया. इसमें क्या होता है? देर इज लैक ऑफ अटेंशन टुवर्ड द सराउंडिंग डिस्पाइट मेंटेनिंग द एबिलिटी इन गुड कंडीशन. मीन्स हमारी एबिलिटी गुड कंडीशन में है, अच्छी अवस्था में है, बट फिर भी हम जो है अपने सराउंडिंग को लेके इतने अवेयर नहीं रहते, इतना फोकस नहीं रहते, और देर इज अ लैक ऑफ अटेंशन. तो इसको बोलते हैं सीडो प्रोसेक्सिया, मतलब सीडो है, ट्रू अटेंशन नहीं है. जैसे कि आप कह सकते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन थे कि वैसे वो बहुत इंटेलिजेंट थे, बट वो अपने घर का एड्रेस भी अपने एक स्लिप में लिख कर रखते थे, क्योंकि वो अपने घर का एड्रेस ही भूल जाते थे, अपने टेलीफोन नंबर तक भूल जाते थे. तो एक डिफरेंट तरह का सीडोप्रोसेक्सिया, एक अटेंशन डेफिसिट होता है जो लोग फेस करते हैं. नेक्स्ट इज द पैराप्रोसेक्सिया. पैराप्रोसेक्सिया क्या है? द एबनॉर्मल डायरेक्शन ऑफ अटेंशन. डायरेक्शन फ्रेंड्स, जब हमें किसी भी चीज़ पे फोकस करना होता है, अटेंशन चाहिए होती है, तो हम डायरेक्शन का यूज़ करते हैं. अगर हमें किसी चीज़ पे ध्यान केंद्रित करना है तो हमारी डायरेक्शन उस तरफ होगी. अगर आपको राइट की तरफ देखना है तो उस तरफ होगी, लेफ्ट में देखना है तो उस तरफ होगी. बट जब ये डायरेक्शन गलत हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, या यूनिफॉर्म नहीं रहती जिस तरफ हमें डायरेक्शन चाहिए अटेंशन के लिए, तो उसको बोलते हैं पैरा प्रोसेक्सिया. नेक्स्ट इज ए हाइपर प्रोसेक्सिया. हाइपर प्रोसेक्सिया मीन्स देयर इज एक्सेसिव एंड टेम्पररी फोकस ऑफ अटेंशन. जब अटेंशन और फोकस इतना ज़्यादा हो जाए कि वो बहुत ज़्यादा देर तक ना रह पाए, क्योंकि मैंने ये पहले भी एक करैक्टरिस्टिक बताया है कि हमारी जो एबिलिटी है अटेंशन की, फोकस करने की क्षमता, ये बहुत लिमिटेड है. हम एक ही चीज़ पे बहुत ज़्यादा देर तक भी फोकस नहीं कर सकते हैं, और करते हैं तो उसमें कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं. तो होता क्या है हाइपरप्रोसेक्सिया में? एक्सेसिव, देखिए बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अटेंशन होता है, बट वो बहुत टेम्पररी होता है, मात्र कुछ सेकंड्स के लिए, किसी किसी को होता है, किसी को कुछ मिनट्स के लिए होता है, बट फोकस अच्छा होता है, बट वो टेम्पररी होता है. इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल मैं दे देती हूँ, माइकल फेल्प्स का, जो कि मल्टीपल ओलंपिक विनर रहे हैं, स्विमिंग चैम्पियनशिप जीती है, बहुत सारे मेडल्स लेके जाते हैं अमेरिका के लिए. उनको जो है ये प्रॉब्लम है, उनका बहुत अच्छा अटेंशन है, बट वो टेम्पररी है. तो स्विमिंग में वो
इस तरीके से यूज़ करते हैं मार्क, कुछ सेकंड्स में ही जब तैराकी की कंपटीशन होती है तो स्विम करके चले जाते हैं एंड ही विंस। तो ये जिनमें हाइपरप्रोसेक्सिया होता है, ये ही ADHD के केसेस भी आगे देखे गए, जो कि हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इन अटेंशन डेफिसिट होता है तो हो सकता है कि वो स्टडीज़ में अच्छा ना करें, बट दे कैन डू इन सम अदर स्पोर्ट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज अबाउट द अटेंशन डिसऑर्डर्स डेफिसिट एंड प्रॉब्लम। आई होप मैं आपको एक इसका कंसेप्ट देने में सक्षम रही हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे आप मोटिवेट कर सकते हैं कमेंट करके, और अगर आप कोई भी वीडियो चाहते हैं किसी भी साइकोलॉजी टॉपिक पे तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल लव टू मेक वीडियो ऑन दैम। अगर आप मेरी नोटिफिकेशन चाहते हैं वीडियो की तो बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।